ये कहानी है एक टॉप स्टूडेंट आकाश की, जिसने क्लास 10th में टॉप किया था। और जब वो क्लास 11th में गया, सबको उससे बहुत उम्मीद थी, लेकिन न जाने उसको क्या हो गया। 12th बोर्ड्स के खत्म होने तक वो टॉपर से एक बिलो एवरेज स्टूडेंट बन गया। भैया आप तो पढ़ाई में इतने अच्छे थे, फिर क्लास 11th और 12th में इतना बुरा परफॉर्मेंस क्यों? उसके छोटे कजिन मिथिलेश ने पूछा। वो इसलिए छोटू, क्योंकि क्लास 11th की स्ट्रीम सिलेक्ट करते वक्त मैंने 3 बड़ी गलतियां कर दी थी। वो गलतियां क्या थी भैया? मिस्टेक 1, मेरे सारे दोस्त बायोलॉजी ले रहे थे और मेरे उसमें मार्क्स भी ठीक ठाक थे, पर बाद में समझ आया कि मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो फ्रेंड्स को देखकर कभी भी स्ट्रीम सिलेक्ट मत करना। मिस्टेक 2, मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर है और की तरफ से भी काफी फोर्स था कि मैं बायोलॉजी लेके नीट दूं, तो पेरेंटल प्रेशर की वजह से भी कभी स्ट्रीम सिलेक्ट मत करना। और मिस्टेक 3, फ्रेंड्स और पेरेंट्स के अलावा एक सबसे बड़ी स्ट्रीम सिलेक्शन गलती जो मैंने कर दी थी, ये सोचकर कि अगर डॉक्टर बन गया तो पैसा ही पैसा होगा, सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस के लिए भी करियर मत चूज करना। तो स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करें भैया? पिन कमेंट का वीडियो देख के।